ये पंडित जी बड़े विद्वान थे, उनको बड़ा ज्ञान था। तो जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है कि हाथों में देवराज इंद्र का वास है अलग अलग अंगों में, तो अपनी वो वाटिका में बैठे हुए थे, एक गाय चरने आई तो ऐसे ही कंकर उठाया और ऐसे खिलवाड़ में उसके मारा, सीधे यहाँ बैठी हुई मर गई गाय। अब गौ हत्या प्रकट हुई, पंडित जी के सामने प्रकट हुई, उन्होंने कहा नहीं हमने हत्या नहीं की, शास्त्र प्रमाणित है हाथों में देवराज इंद्र का वास है, और उन्होंने ऐसे, तो वो देवराज इंद्र के पास गौ हत्या गई, मुझे स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा कब हमने की, बोले पंडित जी ने बताया कि हाथों में देवराज इंद्र का वास। बोले बस दो मिनट रुको, अभी गए एक बढ़िया सुंदर धनी मानी का रूप रखे, प्रणाम पंडित जी, गजबान पंडित जी, बगीचा इतना सुंदर कि हमने देखा नहीं, बहुत सेवा होती है बगीचे की, अपने हाथों से करता हूँ, ये सब हमारे हाथों के लगाए हुए। अच्छा अच्छा पंडित जी, और ये बावड़ी बहुत सुंदर बनी है जल की, ये भी हमने, यहाँ तुम जो कुछ देख रहे हो सब मैंने अपने हाथों से किया, तो गौ हत्या इंद्र ने की है, गौ हत्या इंद्र ने की, और ये सब तुम अपने हाथों से, गौ हत्या चढ़ जाए इसके ऊपर, केवल ये बातें बुला रहा है, अहंकार युक्त है अभी, बात समझ गए। अच्छा किया तो मैंने, बुरा किया तो भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो वो पत्ता हिलेगा तो तुम झेल नहीं पाओगे, क्योंकि वो चतुर शिरोमणि है, वो जान रहे हम लोग थोड़ा कपट ज्ञानी है, नहीं कोई अच्छी बात बन गई तो अपनी मुच्छ में ताव देते हो, बुरी हो गई बोले भगवान को ऐसे ही मंजूर था, भगवान को जो मंजूर है जब जान जाओगे तो भगवान के समान हो जाओगे, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, फिर क्या भगवान से किसी का मंगल हुआ है, जो दूध में अपने जहर लगा के पिलाने जा रही उसको यशोदा मैया की गति दी, भगवान के द्वारा कभी मंगल होता है, मंगल भवन है।